हेलो स्टूडेंट, हम 11th क्लास का लेसन 5 पढ़ रहे हैं, जो है विधायिका। विधायिका के तहत आपने संसद पढ़ा था। संसद में लोकसभा राज्यसभा ये दोनों आप पढ़ चुके हैं। लोकसभा के क्या कार्य हैं, लोकसभा के सदस्य किस प्रकार निर्वाचित होते हैं और राष्ट्रपति को क्या अधिकार है, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं, ये सारी बातें आप लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में पिछले दो वीडियो के माध्यम से आप जान चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे संसद के कार्य क्या होते हैं, क्या काम है संसद के, इन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो ध्यान से देखें इस वीडियो को, तो शुरू करते हैं। संसद के कार्य, संसद का क्या काम है, क्या वर्क करती है संसद देश में, हमारे जो संसद है वो क्या वर्क है उसका। पहला जो संसद का सबसे महत्वपूर्ण वर्क है वो क्या है, कानूनों का निर्माण करना। कानूनों का निर्माण, संसद कोई अधिकार है कि वो देश में आवश्यकता के अनुसार क्या करे, कानूनों का निर्माण करे। इस प्रकार का विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकते हैं। विधेयक जो तीन प्रकार के रखे जाते हैं और कानून तीन प्रकार के विधेयकों से बनाए जाते हैं और वो विधेयक जो हैं वो किसी प्रकार के हो सकते हैं। तीन प्रकार के विधेयक होते हैं, तीनों विधेयक जो हैं वो संसद में लाए जा सकते हैं। तीन विधेयक कौन कौन से हैं, जैसे सामान्य विधेयक है, सामान्य विधेयक के बाद में जो दूसरा विधेयक होता है वो विधि विधेयक होता है और चौथा जो विधेयक होता है वो धन विधेयक होता है। ये तीन विधेयक संसद में रखे जाते हैं। तो बात करते हैं सामान्य विधेयक किसे कहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सामान्य विधेयक के माध्यम से किस प्रकार से परिवर्तन किए जाते हैं देश में। सामान्य विधेयक किसी भी हाउस में रखा जा सकता है, किसी भी सदन में रखा जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी हाउस में उसको रख सकते हैं। इन विधेयकों को दोनों सदनों में पारित होना जरूरी होता है, इस बात को ध्यान रखें। यदि दूसरा सदन विधेयक को 6 माह के अंदर पारित ना करे तो उसे स्वतः ही पारित माना जाता है, ये भी सामान्य विधेयक की एक परिभाषा है। अगर दूसरा हाउस जो है अगर वो इसको पास नहीं करे तो उससे 14 दिन के भीतर अगर पास 6 महीने के अगर तक पास नहीं करे तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, वो पास ही माना जाता है। तो पहला हाउस को पास करना जरूरी है, दूसरे हाउस को 6 महीने तक का टाइम है, 6 महीने तक अगर पास नहीं करे तो स्वतः ही वो पारित माना जाएगा, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। अब तक 3 बार अगर किसी भी मामले को लेकर अगर संयुक्त अधिवेशन बुलाना पड़े, संयुक्त अधिवेशन क्या, ये भी आप जान चुके हैं, लोकसभा में ये बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन यानी कि किसी भी अगर विधेयक पर संसद और लोकसभा और राज्यसभा दोनों को लेकर एकमत एक राय नहीं है, यानी कि दोनों में विरोधाभास की स्थिति हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। दोनों सदनों को एक ही हाउस में बुलाते हैं और वो हाउस इस प्रकार की उसकी संरचना है, ये हमारे संसद भवन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। एक तरफ लोकसभा है, दूसरी तरफ राज्यसभा है, बीच में जो ये जगह है यहाँ पर ही सेंट्रल हॉल, इसको सेंट्रल हॉल बोलते हैं। इस सेंट्रल हॉल में ही संविधान को लिखा गया था और इसी सेंट्रल हॉल में क्या करते हैं, संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है। सेंट्रल हॉल में संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं तो इस संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा, वो लोकसभा स्पीकर करेगा। यानी कि राष्ट्रपति ने तो केवल क्या किया है, लोकसभा के सत्र को आहूत किया है, संयुक्त अधिवेशन को आहूत किया है, जिसकी अध्यक्षता है वो लोकसभा स्पीकर करेगा। लोकसभा स्पीकर के क्या काम होते हैं, क्या वर्क है, वो हम अगले वाले वीडियो में जानेंगे। जब हम लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के पदेन सभापति के बारे में पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि क्या इन दोनों के क्या क्या अधिकार है, क्या लोकसभा अध्यक्ष के विशेष अधिकार है। लोकसभा के अध्यक्ष को इतने अधिकार हैं, अगर हाउस में अगर कोई चला गया तो हाउस में इतना अधिकार अध्यक्ष को दिया गया है कि उसकी बात को कोई भी नहीं टाल सकता। अगर किसी भी सांसद को या मंत्री को स्पीकर ने कह दिया कि आपको 5 मिनट बोलना है तो 5 मिनट ही बोलेगा, अगर वो 6 मिनट बोलता है तो उसकी बात को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, उसकी बात को महत्व नहीं दिया जाएगा। अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो इवन इतना पावर है कि वो पुलिस को बुलाकर उसको बाहर फेंकवा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष में इतना पावर है लोकसभा, इसी प्रकार राज्यसभा में जो सभापति होता है उसको भी इतना पावर दिया गया है, यानी कि उसकी बात को सबको मानना पड़ेगा, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अधिकारी हो, कोई भी हो। लोकसभा में अगर आप चले गए तो लोकसभा अध्यक्ष की बात को आपको मानना ही पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो आप पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी, लोकसभा का उल्लंघन करने का मामला दर्ज होगा। तो ये लोकसभा में सामान्य विधेयक लाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन जो अब तक 3 बार लाया जाया चुका है, 1961 में डाक विधेयक पर लाया गया था पहली बार, 1961 में ये संयुक्त अधिवेशन लाया गया था, डाक विधेयक पर नहीं लाया गया था, दहेज प्रथा पर लाया गया था। दहेज प्रथा जो था उस पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। उसके बाद में 1978 में दूसरी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था
वो था बैंकिंग प्रक्रिया के बैंकिंग अधिनियम के बारे में लाया गया था, बैंकिंग अधिनियम के बारे में संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति जी ने बुलाया था। फिर अभी वर्तमान में 2002 में जो पोटा कानून बनाया गया था, पोटा आतंकवाद निरोधक कानून, उसके संबंध में लाया गया था 2002 में लास्ट बार लाया गया था पोटा अधिनियम पर, जो आतंकवादियों की सहायता करते हैं ऐसे लोग, आतंकवादियों से संबंध रखते हैं, आतंकवादियों को प्रोटेक्शन देते हैं, ऐसे लोगों को प्रकार्य करने के लिए, उन पर रोकथाम लगाने के लिए पोटा अधिनियम लाया गया था 2002 में। इस पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है जो तीनों जो ये थे इनकी अध्यक्षता उन्होंने की थी। संयुक्त अधिवेशन जो है अधिवेशनों में भाग लिया था पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने, इन तीनों अधिवेशनों में भाग लिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। इसी तरह दूसरा जो विधेयक है वो है विधि विधेयक, यानी कि विधि से आप समझते हैं, विधि किसे कहते हैं, विधि की परिभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में बताई गई है कि विधि किसे कहेंगे। विधि है यानी कानून। कानून किसे कहते हैं, यानी कि राज्यसभा के द्वारा बनाए गए ऐसे कानून, लोकसभा के द्वारा बनाए गए ऐसे नियम, विनियम, अधिनियम, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किए गए, किसी प्रकार का कोई भी आदेश हो, चाहे वो राष्ट्रपति ने जारी किया हो, चाहे वो राज्यपाल ने जारी किया हो, चाहे वो विधानसभा के विधानमंडलों ने जारी किया हो, चाहे वो किसी भी स्टेट ने परिपत्र रेगुलर किसी प्रकार का कोई भी आदेश हो, सर्कुलर हो, वो सभी विधि शब्द के अंतर्गत आते हैं। ये क्या है, विधि शब्द की परिभाषा में आते हैं। तो ये विधि शब्द को परिभाषित अनुच्छेद 13 में किया गया है। विधि इस प्रकार के जो विधेयक है धन विधि विधेयक वाले, ये भी किसी भी हाउस में रखे जा सकते हैं, किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं, किसी भी सदन में रखे जा सकेंगे, किसी भी हाउस में इसको रख सकते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों किसी भी सदनों में इसको लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा पहल करे चाहे राज्यसभा पहल करे, विधेयक को लेकर दोनों हाउस में से किसी भी हाउस में आप इसको रख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है, दोनों सदनों से पारित होना अनिवार्य है, सेम उसकी जैसे ही है, दोनों हाउस में इसको पारित होना जरूरी है, दोनों सदनों से पारित होना अनिवार्य है, ठीक है, दोनों सदनों से पारित भी कर दिया। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि इन विधेयक वित्त विधेयक पर जो विधि मंत्री होता है उसके सलाह भी इस पर अनिवार्य होती है, यानी कि जो विधि कानून मंत्री होता है उसकी सलाह इसमें अनिवार्य होगी। धन विधेयक वित्त विधेयक का ही एक भाग होता है, धन विधेयक जो है वो विधि वित्त विधेयक है, दोनों एक ही होते हैं। तो ऐसे में क्या है, ऐसी स्थिति में जो भारत का जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसकी सलाह लेना अनिवार्य माना जाता है। विधि विधेयक क्या है, धन विधेयक क्या है और वित्त विधेयक क्या है, तीनों अलग अलग है। तो विधि और वित्त दोनों अलग अलग हैं। वित्त यानी कि जो फाइनेंस के बारे में बात करता है, विधि यानी कानून की बात करता है। विधि विधेयक अलग होता है, वित्त विधेयक अलग होता है। तो विधि विधेयक में यानी कि विधि विधेयक के अंतर्गत जो नियम कानून कानून कायदे इनके बारे में बात की जाती है, ठीक है। अनुच्छेद 109 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि धन विधेयक पहले लोकसभा में रखा जाएगा, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष कोई भी धन विधेयक है या नहीं इसको चेक करने का जो अधिकार दिया गया है वो लोकसभा स्पीकर को दिया गया है। लोकसभा स्पीकर है वो ये देखेगा कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो करना होगा वो कौन करेगा, लोकसभा स्पीकर करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा कि कोई भी धन विधेयक है या नहीं। अगर धन विधेयक है तो लोकसभा में बात होगी, नहीं है तो कहीं भी ले जाओ, कोई मतलब नहीं है लोकसभा को इस बात से। धन विधेयक के संबंध में राज्यपाल राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं दिया गया है, राज्यसभा इसे 14 दिन के भीतर पारित करना उसको अनिवार्य है। धन विधेयक को संबंध में राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं है, 14 दिन को उसको पास करना है, बस ये उसका काम है। राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है धन विधेयक के बारे में, मानना और न मानना वो किस पर निर्भर करता है, लोकसभा पर निर्भर करता है, ठीक है। यानी कि धन विधेयक के बारे में जो अगला विधेयक है धन विधेयक के बारे में राज्यसभा केवल क्या कर सकती है, परामर्श दे सकती है। परामर्श अगर को मानना और नहीं मानना वो किस पर निर्भर करता है, लोकसभा के। तो राज्यसभा जो है वो धन विधेयक के बारे में केवल लोकसभा को परामर्श दे सकती है। परामर्श को मानना और ना मानना वो किस पर निर्भर करता है, वो लोकसभा पर निर्भर करता है कि वो दिए गए परामर्श को माने या ना माने, ठीक है। तो ये तो था विधि विधेयक। अब बात करते हैं संसद का दूसरा जो कार्य है वो है संविधान में संशोधन करना, इसको हम अनुच्छेद 368 के प्रक्रम में समझेंगे, वो अलग बात हो जाती है। तो दूसरा जो कार्य वो पढ़ेंगे बजट। जो अगला कार्य है वो है बजट पारित करना। संसद का दूसरा काम क्या है, बजट को पारित करना, बजट जो होता है उसको पारित करना, बजट
पारित करना। बजट जो है हमेशा वो फरवरी माह में लाया जाता है, बजट सत्र के दौरान बजट पे बात की जाती है। भारतीय संविधान में बजट शब्द जो है वो किसी भी अनुच्छेद में परिभाषित नहीं किया गया। बजट के बारे में किसी भी अनुच्छेद में कोई भी स्पष्ट रूप से कोई बात नहीं की गई है कि बजट क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है। संविधान में बजट को जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट को क्या कहा गया है संविधान में? वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। ये संविधान में बजट इस शब्द को कहा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट इसको कहा गया है। और बजट एक धन विधेयक है, आप जानते हैं बजट एक क्या है? धन विधेयक है, ये विधि विधेयक नहीं है। बजट क्या है? खुद एक धन विधेयक है। तो कहाँ इस पर पहले चर्चा होगी? लोकसभा में इस पर बात होगी, लोकसभा इस पर बात करेगी कि ये धन विधेयक है, यानी बजट की बात हुई है नहीं, धन विधेयक है। तो पहले कहाँ रखा जाएगा? सीधी सीधी बात है, लोकसभा में रखा जाएगा। लोकसभा इस पर चर्चा होगी, राज्यसभा में पास होने के लिए जाएगा। राज्यसभा 14 दिन का समय लेगी, पास कर देगी और आगे ये बजट जो है देश के सामने रख दिया जाएगा। भारत में पहली बार जो बजट है वो 1860 ईस्वी में लाया गया था। 1860 में पहली बार बजट पेश किया गया था भारत में, भारतीय संविधान में, भारतीय इतिहास में पहली बार बजट जो पेश किया गया था 1860 में। जेम्स विल्किंसन उस समय भारत के वित्त मंत्री थे और उस समय ये इन्होंने बजट पेश किया था और इनको भारतीय जो बजट है इसका जनक कहा जाता है, बजट के जनक इनको माना जाता है, विल्किंसन को, जो ये बजट के निर्माता हैं। बजट इन्होंने था पहली बार पेश किया था। 1921 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया, इस बात को ध्यान रखें। पहले 1921 तक क्या है, रेल बजट और आम बजट दोनों एक थे। 1921 के बाद में रेल बजट अलग आने लगा और जो आम बजट है वो दोनों अलग अलग हो गए। और 1923 से रेल बजट अलग है और आम बजट अलग है, इस बात को जानते हैं। 1 अप्रैल से भारत का वित्तीय वर्ष आरंभ हुआ माना जाता है। 1 अप्रैल से क्या है, भारत का वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल जो ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का क्या है, वित्तीय वर्ष माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप ध्यान रखेंगे। बजट जो है फरवरी के अंतिम सप्ताह में लाया जाता है और मई के पहले वीक से इसको स्टार्ट माना जाता है। बजट के पहले वीक से फरवरी के अंतिम महीने में रखा जाएगा और मई के फर्स्ट वीक से इसको माना जाएगा। यहाँ तक ठीक है। भारत में बजट जो है वो वित्त मंत्रालय का आर्थिक विभाग तैयार करता है। वित्त मंत्रालय जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसका आर्थिक विभाग बजट को तैयार करता है। पूरे देश में सर्वे होता है किस राज्य को किस जगह कितना पैसा चाहिए, ये इन सभी को तय करता है। ठीक है, बजट राष्ट्रपति रखवाते हैं, वित्त मंत्री रखता है। राष्ट्रपति बजट को रखवाते हैं, वित्त मंत्री रखता है। और भारत का जो बजट शब्द है इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। बजट का क्या अर्थ होता है? चमड़े का थैला, इस बात को अब ध्यान रखेंगे। अब कुछ बजट के बारे में कुछ बातें हैं, वो क्या है इनके बारे में बात करते हैं। बजट को लेकर कुछ बातें प्रचलन में हैं, वो क्या है जैसे बजट जो है, बजट फरवरी के अंतिम सप्ताह में रखा जाएगा, फर्स्ट वीक से मई से लागू जाएगा। बजट के बारे में कुछ बातें हैं वो कौन कौन सी हैं बजट के बारे में, जैसे मार्च रस किसे कहते हैं? मार्च के महीने में सरकारों के द्वारा खर्च करने के लिए जो पैसे चाहिए उसको मार्च रस कहते हैं। सब मतलब खर्चा चलाने के लिए कुछ पैसे चाहिए ना, तो वो पैसे सरकार निकलवाती है बजट के लिए, वही क्या है, मार्च रस कहते हैं उसको, मार्च रस। ठीक है, मार्च रस हो गया। इसके बाद में लेखा अनुदान किसे कहते हैं? भारत में संसद के द्वारा मई के अंतिम सप्ताह तक बजट को पूर्ण रूप से पारित करना ये लेखा अनुदान कहलाता है। लेखा अनुदान हो गया, लेखा अनुदान। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है कटौती प्रस्ताव। सरकार तीन प्रकार से प्रस्ताव लाती है, मितव्ययता को रोकने के लिए कटौती प्रस्ताव लाया जा सकता है। सरकार ये चेक करती है भारत सरकार कि कटौती बजट में कटौती कर सकती है, कटौती प्रस्ताव इसको बोलते हैं, कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव तीन प्रकार से, तीन कारण होते हैं इसके लाने के लिए, मितव्ययता को रोकने के लिए, मितव्ययता को रोकने के लिए यानी कि सरकार आवश्यकता से ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करे, इसलिए मितव्ययता को रोकने के लिए कटौती प्रस्ताव है। सांकेतिक कटौती कर सकती है, नीतियों में अगर गड़बड़ी हो, खराबी हो, पूरे राज्य अगर किसी राज्य की पूरी नीतियाँ ही खराब है, तो ऐसे में उन नीतियों को रोकने के लिए क्या लाया जाता है, कटौती प्रस्ताव लाया जाता है, उसमें नीति प्रस्ताव भी लाया जाता है। तो ये तो था बजट के बारे में थोड़ी सी जानकारी, यानी कि बजट किस प्रकार से पेश किया जाता है,
भारतीय संविधान के अनुसार बजट के बारे में आपने यह जाना। संसद के आप कार्य पढ़ रहे, संसद के आपने दो कार्य पढ़े, जो पहला कार्य था कानून का निर्माण करना, संविधान का, संसद का पहला कार्य है कानून का निर्माण करना, दूसरा काम संविधान में संशोधन करना जो हम इसके बजट के वाले बाद में पढ़ेंगे, जो दूसरा था बजट पारित करना। आपने पहले वाले जो पहला इसका काम था संसद का पहला वर्ग क्या था, कानूनों का निर्माण करना। कानूनों का निर्माण तीन प्रकार से किया जाता है, पहला सामान्य विधेयक के माध्यम से, कोई भी साधारण विधेयक है उसके माध्यम से संविधान में कुछ भी संशोधन करना हो, नियम बनाने हो, विनियम बनाने हो, अध्यादेश जारी करने हो, कुछ भी करना हो, वो साधारण बहुमत यानी साधारण विधेयक के माध्यम से संसद ऐसा कानून बनाकर ऐसा कर सकती है, कोई भी नियम बना सकती है। संयुक्त अधिवेशन है, वो अब तक देश में तीन बार बुलाए गए हैं, संयुक्त अधिवेशन जो है वो अब तक तीन बार देश में लाया गया है। 1961 में पहली बार दहेज प्रथा अधिनियम पर जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। दहेज प्रथा अधिनियम जब देश में पहली बार लाया गया था, दहेज प्रथा अधिनियम 1961 में, इसके बारे में राष्ट्रपति ने इसके लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया था दहेज प्रथा पर, ठीक है, पहली बार। उसके बाद में 1978 में दूसरा जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था वो बुलाया गया था किस पे, बैंकिंग अधिनियम के बारे में, बैंकिंग अधिनियम पर, बैंकिंग अधिनियम पर दूसरी बार ये लाया गया था। तीसरी बार 2002 में लाया गया था, संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था, वो आतंकवाद निरोधक कानून अधिनियम पर लाया गया था, आतंकवाद निरोधक कानून, आतंकवाद निरोधक जिसको पोटा कहते हैं, पोटा, इस पे लाया गया था, POTA पोटा। ये तीन बार अब तक अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। जो इसके बाद धन आप जो पढ़े थे वो था संविधान का, संसद का दूसरा कार्य जो है वो है बजट पेश करना। बजट के बारे में आप पढ़ चुके हैं, बजट क्या है, धन विधेयक है, लोकसभा में रखा जाएगा, सारी बातें आपने ये पढ़ चुकी है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे संसद का जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम है संविधान में संशोधन करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना और समझने का प्रयास करना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।